हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के लिए बॉटनी प्रैक्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कल आपको ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कवर कर दिए थे और आज हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स में भोजन बनाने की प्रक्रिया, इसके द्वारा CO2, वाटर, क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसमें CO2 प्लस H2O जो हम लिखते हैं इसकी क्रिया को CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 और यदि हम इसमें 12 H2O लगाते हैं तो इसमें 6 H2O और निकलते हैं प्लस 6 ऑक्सीजन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। ये इसकी क्रिया है फोटोसिंथेसिस। इसकी प्रेजेंस में जो पौधे की पत्तियां हैं वो, यानी पत्तियों में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, वाटर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पौधे की पत्तियां पानी की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और उसमें साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इन एक्सपेरिमेंट को हम कैसे शो करें कि ये चीज़ें एसेंशियल हैं, ये हम प्रैक्टिकली प्रदर्शित करते हैं इसको। ये सारी चीज़ें हमारी CO2, लाइट, वाटर और क्लोरोफिल आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मोल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम मोल्स एक्सपेरिमेंट या हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें आप देखिए एक पॉटेड प्लांट है जिसके अंदर लीफ लगी हुई है, मतलब पूरा पॉटेड प्लांट है और इसको, इसकी हमने लीफ को एक बॉटल के अंदर KOH सॉल्यूशन लेके, अभी बताएंगे KOH सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, KOH सॉल्यूशन लेते हैं और इसके बॉटल में कॉर्क जो है उसमें एक कट लगा देते हैं और इसकी लीफ को आधा शिफ्ट कर देते हैं बॉटल के अंदर। देखिए आप, ये लीफ का आधा हिस्सा बाहर है और लीफ का आधा हिस्सा अंदर। हम ये शो करना चाहते हैं कि जो लीफ के अंदर हिस्सा है उसका अलग रिजल्ट आएगा और लीफ के बाहर हिस्सा है उसका अलग रिजल्ट आने वाला है। क्यों? इस बॉटल में हमने लिया है KOH सॉल्यूशन, जो KOH सॉल्यूशन इस बॉटल की CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉटल में CO2 नहीं है, ओपन अनुपस्थित है और बाहर CO2 उपस्थित है। लाइट इसको पूरी मिल रही है क्योंकि ये सनलाइट में एपरेटस रखा हुआ है। हम थोड़े टाइम बाद इसकी रिजल्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे? हम उसमें देखेंगे कि इसमें स्टार्च बना है या नहीं बना, तो हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। वापस से देखिए, ये पॉटेड प्लांट है, लीफ लगी हुई है इसमें, इसकी एक लीफ का आधा भाग हमने इस बॉटल में डाल दिया है कॉर्क के सहारे और आधा हिस्सा बाहर। बॉटल में क्या है? KOH सॉल्यूशन है जो इस बॉटल की CO2 को एब्जॉर्ब कर चुका है। ठीक है, KOH सॉल्यूशन हम लेते हैं जो क्योंकि CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी CO2 यहाँ पर अनुपस्थित है, एब्सेंट, बाहर CO2 है। हमें क्या देखना है? लाइट, क्लोरोफिल सब मिल रहा है इसको, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है लेकिन बाकी CO2 की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस होगा, इतने हिस्से में नहीं होगा। तो जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे इसका एक दो घंटे बाद, चार घंटे बाद, एक निश्चित टाइम बाद, तो हम इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो हमें स्टार्च टेस्ट में जो आधा हिस्सा है इसमें हमें स्टार्च दिखाई देगा और आधे हिस्से में स्टार्च नहीं दिखाई देगा। ये आधा हिस्सा स्टार्च टेस्ट देगा और आधा हिस्सा नहीं देगा। ठीक है, तो इससे हम चीज सिद्ध करते हैं कि CO2 जरूरी है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, तो ये मोल का आधा पत्ती प्रयोग है जिसके अंदर आधी पत्ती में स्टार्च टेस्ट आ रहा है क्योंकि ये बाहर है, इसके सारी जो कंडीशंस है नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो मिल रही है और अंदर जो बॉटल में जो आधा हिस्सा था इसका, उसको CO2 नहीं मिली, इस कारण इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो उसने स्टार्च टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं दिया। तो यहाँ पे नो स्टार्च टेस्ट, नेगेटिव रिजल्ट आता है इसका और यहाँ पर पॉजिटिव आता है।
स्टार्स टेस्ट अपन किससे करते हैं? आयोडीन से करते हैं, जिससे ये हिस्सा जो है वो काला ब्लू हो जाता है और इधर वाला हिस्सा नॉर्मल रहता है, मतलब उसमें अपन स्टार्स टेस्ट, ये जो स्टार्स टेस्ट नहीं देता है वो हमारा नॉर्मल सा दिखाई देता है, जबकि उधर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा मोल्स एक्सपेरिमेंट आधा पत्ती प्रयोग, जिसके द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि CO2 जरूरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। ये हम दूसरा एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं जिसमें हम शो कर रहे हैं ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, जैसा हमने उस रिएक्शन में लिखा है। तो ऑक्सीजन निकलती है, इसके लिए हमने क्या किया है, देखिए ये हमने लिया है एक फनल, इसको इन्वर्टेड फनल मेथड भी कहते हैं। एक बीकर लिया है, बीकर में हमने एक उल्टी करके एक प्लांट लिया है, हाइड्रिला प्लांट लिया है जो कि हाइड्रोफिटिक प्लांट है, और इस बीकर में पानी लिया है, फनल में हमने हाइड्रोफिटिक प्लांट हाइड्रिला रखा है और उसको हमने उल्टा करके इसमें बीकर, और इसके ऊपर हम एक टेस्ट ट्यूब लगा दें। समझिए हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर में पानी लिया है, इसके अलावा एक फनल ली है, की उल्टा की प्रयोग कहते हैं इसको, एक की भी है, इसके अंदर एक प्लांट हाइड्रोफिटिक प्लांट रखा है हाइड्रिला, क्यों, क्योंकि हम पानी में ही प्रयोग कर रहे हैं, और फिर हमने इस फनल को उल्टा कर दिया बीकर के अंदर, और इस फनल के ऊपर हमने एक गैस ट्यूब उल्टी करके रख दी। इस एपरेटस को हम कहाँ रखेंगे, धूप में रखेंगे, और जो इस पानी में CO2 थी इस प्लांट ने ग्रहण की, और CO2 के साथ साथ वाटर और क्लोरोफिल, इसे वाटर मिला हुआ है, क्लोरोफिल बाहर इसके अंदर है ऑलरेडी, लाइट मिल रही है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, और थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन के बबल्स हमें दिखाई देंगे, पानी पानी में हमें बबल्स दिखाई देंगे, और यदि हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा ये ऑक्सीजन है। टेस्ट कैसे करेंगे, पाइरोजेनिक एसिड से हम टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको मैजेस्टिक से कर सकते हैं। मैजेस्टिक तो हम यहाँ पे ला नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है ये, अब मैजेस्टिक हम कैसे लाएं, यदि हम इस टेस्ट ट्यूब का ये वाला हिस्सा तोड़े और फिर वहां पर मैजेस्टिक जलाएं तो हमें वो जलती हुई तीली दिखाई देगी। ठीक है, तब हमें पता लगेगा ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। अब इस प्रयोग में ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के इस प्रयोग में ऑक्सीजन निकलती है तो सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ कंडीशंस कुछ अलग हो जाती है। हम डिफरेंट कंडीशंस में इसको देखे इस प्लांट को, यदि हमने यहाँ पे हाइड्रा प्लांट की जगह कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट लिया है तो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल प्लांट रख देंगे तो क्या होगा उस स्थिति में, क्योंकि हाइड्रा तो हाइड्रोफिटिक प्लांट है, पानी में पानी की उपस्थिति में रहता है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यदि हमने इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट रखा है तो क्या होगा, यहाँ पर ये पानी की उपस्थिति में ये सड़ जाएगा, ये धूप में रखने पर खराब हो जाएगा और इसमें ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। दूसरी बात, यदि हम इसके अंदर सिंपल पानी की जगह बॉइल्ड वाटर लेते हैं, बॉइल्ड वाटर में यदि ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं ऑक्सीजन नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में CO2 की मात्रा कम हो जाती है, इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, चाहे वो अपन हाइड्रिला प्लांट लें या कोई और प्लांट लें, लेकिन CO2 इसमें कम हो जाएगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रयोग के द्वारा हमने क्या सिद्ध किया है, ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, और इसे हम उल्टा की प्रयोग कहते हैं, यानी इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन का निकलना सिद्ध करते हैं। थैंक यू।